तो ये देखो आप, हमारे भरवा भिंडी कितनी अच्छी दिख रही है और बहुत स्वादिष्ट भी दिख रही है, तो चलो इसे बनाते। हेलो फ्रेंड्स, मैं मयूर और स्वागत है आपका द मयूर्स किचन में। आज हम बनाएंगे भरवा भिंडी की रेसिपी। मैंने इसके पहले भी एक रेसिपी डाल दी है, वो मसाला भिंडी की है, पर आज हम बनाएंगे भरवा भिंडी। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, भरवा भिंडी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए भिंडी। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब भिंडी ली है, ये फ्रेश भिंडी मैंने यहाँ पे ली है। तो चलो आपको मैं इसे सबसे पहले तो काटना सिखाऊंगा। तो इसे काटते कैसे, एक भिंडी इसे उठानी है और इसका जो डंठल है ऊपर का, ये जो डंठल है उसको मैं इसे काट लूँगा। तो डंठल मैंने इसी तरह से काट लिया है, इसको साइड में रख देते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक चीरा लगा दे। मैंने कैसे लगा दिया चीरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखो आप, मैंने इसमें एक चीरा लगा दिया है, बहुत सिंपल है। तो मैं इसी तरह से एक दूसरी भिंडी भी आप काट के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसका डंठल निकालना है, इसका डंठल मैंने निकाल दिया है। तो और इसको एक चीरा लगा देना है। इसको काटना भी बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से चीरा लगा दिया है। तो इस तरह से ही मैं सब भिंडी काट लूँगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे सब भिंडियों के डंठल और इसको मैंने चीरा लगा दिया है। एक बात आपको मैं बताना भूल गया था, इसको मैंने, इस भिंडी को अच्छे से दो पानी से धोकर इसको मैंने धूप में सुखा दिया था। तो आप भी इसे ज़रूर धोए। तो चलो इसका हम अंदर का मसाला तैयार करते हैं। तो दोस्तों, मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और इसमें मैं डाल लूँगा 2 बड़े चम्मच बेसन। तो सबसे पहले है 1 चम्मच और इसके बाद है 1 चम्मच, तो कुल मिलाकर 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगा 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला। तो 1 चम्मच गरम मसाला मैं इसमें डाल दूँगा। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगा 1/2 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर। तो 1/2 चम्मच हल्दी भी मैं इसमें डाल देता हूँ। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा 1/2 चम्मच जीरा का पाउडर, यानी कि मैंने यहाँ पे भुना हुआ जीरा का पाउडर बना लिया था, उसे मैं डालूंगा। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा स्वादा अनुसार नमक। तो स्वादा अनुसार नमक मैं इसमें डाल लेता हूँ, थोड़ा और डालूंगा। आप यहाँ पे नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। और मैं अभी इसमें डालूंगा 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ पे कौन सा भी मिर्च का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ये मैं खास कलर के लिए डाल रहा हूँ। तो 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल लेता हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेता हूँ। मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगा लहसुन का पेस्ट। तो इसमें मैं 2 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल लेता हूँ। आप यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 चम्मच और इसके बाद 1 चम्मच, तो ये भी 1 चम्मच। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसा बाइंडिंग में आ चुका है। मैं इसको बाइंड कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बाइंड भी हो रहा है। तो इसी तरीके का आपका मिश्रण होना चाहिए जो हमारी स्टफिंग है। तो इसको मैं अब भिंडी में फिल कर लूँगा। तो कैसे फिल करूँगा, चलो आपको दिखाता हूँ। तो फिल करने के लिए भिंडी, सबसे पहले तो एक मैं भिंडी उठाऊँगा। तो इसको मैं, इसमें मैं एक मसाला भर दूँगा। तो कैसे भरना है, थोड़ा सा ऐसा मसाला उठाना है, ज़्यादा नहीं उठाना है, थोड़ा सा ही उठाना है। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐसे भरते जाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको कैसे फिल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरह से फिल कर दिया है। तो ऐसी आपकी भिंडी फिल होनी जानी चाहिए। तो इसी तरह से मैं सब भिंडी यहाँ पे तैयार कर लूँगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे सब भिंडी में मसाला भर लिया है। तो चलो इसको फ्राई कर लेते हैं। तो चलो गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए भिंडी को एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई भी हमारी हल्की सी गर्म हो चुकी है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 3 टेबलस्पून यहाँ पे इसमें ऑयल डालूँगा। तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और इसमें मैं अब डालूँगा 1/2 चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को थोड़ा सा चटकने देते, तो इसको हम चला लेते।
तो मैं इसमें अब डालूंगा हमारी भरवा भिंडी, तो थोड़ी थोड़ी करके सब डालूंगा। गैस एकदम लो करना है। तो इसको हम चला लेते हैं। तो गैस अब मीडियम कर लेते हैं और इसको चला लेते हैं। तो अब मैं गैस लो कर लूँगा और इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा लूँगा 5 मिनट के लिए। गैस एकदम लो है और इसे हम ऐसे ही 5 मिनट तक रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और हम अब हमारी भिंडी चेक कर लेंगे। तो इसे मैं चला लेता हूँ। तो मैं गैस अब मीडियम कर लूँगा। आप इस भिंडी में जब हम इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं उसमें आप 1 चम्मच मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। तो इसको मैं मीडियम गैस पर 3 मिनट ढक्कन लगा के पकने दूंगा। तो इसका गैस मैं मीडियम कर लेता हूँ। तो 3 मिनट हो चुके हैं और हम आप हमारी भिंडी चेक कर लेते हैं। तो ढक्कन मैं उठा लेता हूँ। गैस अब मैंने लो कर दिया है और हमारी भिंडी भी बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुकी है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ और इसको सर्व भी कर लेता हूँ। हमारी भरवा भिंडी एकदम तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छी भी दिख रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही भरवा भिंडी आप घर पे ज़रूर बनाइए। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी भरवा भिंडी की रेसिपी, थी ना एकदम आसान? तो ऐसी आसान रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करो द मयूर्स किचन और बेल आइकॉन ज़रूर दबाना। थैंक यू।